figure shown, a small ball hits obliquely a smooth and horizontal surface with speed u, whose x and y components are indicated. If the coefficient of restitution is 1 by 2, then its x and y components vx and vy just after collision क्या होंगे? यानी कि आपको दिया गया है ux और uy. ux आपको दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड, uy आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड, और vx और vy हमें बताने हैं. इस क्वेश्चन में आपको यही लॉजिक समझना होगा, और जो बहुत सारे आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा, कि जब भी कोलिजन होता है तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होता है, सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता है. तो सरफेस ये है और सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन क्या है, यूएक्स, तो ये भी vx भी अपना क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड. समझ गए? अब आपको कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जरूरत इधर पड़ेगी, vy और uy वाली डायरेक्शन में आपको कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी. तो e इज इक्वल टू v बाई यू हम लोग पढ़ते हैं, तो आप vy बाई uy लिख दीजिए. vy निकालना है हम लोगों को, e 1 by 2 है, वैसे तो करना बहुत आसान है. vy है 4, और ये 4 नहीं देनी चाहिए इन लोगों को, माइनस 4 देनी चाहिए अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो क्वेश्चन दिया वो सही है, क्योंकि ये 4 है तो इसका उल्टी डायरेक्शन ये वाली हो रही है. तो vy कितना हो गया, 2 4, अरे चलो ये भी करने यार, 4 / 2 vy हो गया 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो दोनों 2 हो गए. अच्छा, अगर वैल्यू कायदे से ये लोग देते तो uy होता -4 और vy होता +2, मतलब कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस को कंसिडर करते हुए. तो अब 45 के दोनों ही आंसर 2 2 आ रहे हैं, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट.